नमस्कार। बांस की बाली ढोकरा की सिंगी, पाटा की साड़ी कोसा की कुर्ती, जनजाति कला और सौंदर्य की बनी साक्षी चित्रकूट की धरती। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में मौका था ट्राइबल फैशन शो का। कोसे से बनी कुर्ती, स्टोल और बांस से बनी ज्वेलरी पहनकर जब मॉडल्स चित्रकूट के फैशन शो में रैंप पर उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। ब्लॉक प्रिंट, मुरिया कला से बनी साड़ियां, बस्तर के कारीगरों द्वारा बनाई गई पाटा साड़ी हमारे देश की समृद्ध कला और जनजाति समाज की सुंदरता का दर्शन करा रही थी। बस्तर के कारीगरों के हाथों बने कपड़े और कलाकृतियों की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। जमीन से जुड़े उन्हीं आदिवासियों के हुनर को एक मंच देने का और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने का प्रयास रहा ये फैशन शो, जिसमें स्थानीय युवक युवतियां ही मॉडल बनकर रैंप पर उतरे। कोसे की साड़ी और ढोकरा शिल्प का आभूषण पहने रैंप वॉक करती बस्तर की बालिकाओं को देखकर लगा नहीं कि ये पेशेवर मॉडल्स से कहीं भी कमतर है। पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चलती बालिकाओं को देखकर यह विश्वास हो गया कि फैशन शो की सीमा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वनांचल क्षेत्र में भी भव्य फैशन शो आयोजित किया जा सकता है। फैशन शो में जो परिधान पहने गए थे वे बस्तर के कारीगरों ने ही तैयार किए थे। ढोकरा शिल्प कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर के इलाकों में प्रचलित है। इस शिल्प से अभी तक सिर्फ कलाकृतियों का ही निर्माण किया जाता था, लेकिन फैशन शो के लिए ढोकरा से बने आभूषण तैयार किए गए। इनमें कान की बाली, बाजूबंद जिसे पहुंची कहा जाता है, पायल और सिंगी जो कि एक तरीके का गौर मुकुट होता है, यह सब बनाया गया। पाटा की साड़ी बनती है, यह कॉटन की तरह का ही मटेरियल है। इस तरह से बस्तर की धरती पर बस्तर के कारीगरों और बुनकरों के काम को पहचान मिली। यह फैशन शो लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा उदाहरण बना। इस फैशन शो की खास बात यह भी थी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। जनजाति वस्त्रों और आभूषणों के श्रृंगार के बीच बस्तर की महिलाओं की सादगी उभर कर आ रही थी। डिजाइनर कहती हैं कि बस्तर अंचल में ऐसा फैशन शो आयोजित हो सकता है, यह नहीं सोचा था। हमने कपड़ों से लेकर आभूषण तक में बस्तर का ही सामान उपयोग किया। यह सामान बनाने वाले बस्तर के कारीगर स्वयं सहायता समूह बनाकर अच्छी कमाई भी कर रहे। फैशन शो कोशिश थी जिसके माध्यम से बस्तर की संस्कृति और कला को विश्व जगत में पहचान मिले, जिससे लोग जान सकें कि घने जंगलों में रहने वाले लोगों के हाथों में कितना हुनर है। वाकई भारत श्रेष्ठ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।